पिछले साल से ही जब हम आज के दिन एकता दौड़ में शामिल हुए थे, तब किसी ने कल्पना नहीं की थी कि दुनिया पूरी मानव जात को कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का सामना करना पड़ेगा। ये आपदा अचानक आई, इसने पूरे विश्व में मानव जीवन को प्रभावित किया है, हमारी गति को प्रभावित किया है। लेकिन इस महामारी के सामने देश ने, 130 करोड़ देशवासियों ने जिस तरह अपने सामूहिक सामर्थ्य को, अपनी सामूहिक इच्छा शक्ति को साबित किया है, वह अभूतपूर्व है। इतिहास में उसकी कोई मिसाल नहीं है। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में 130 करोड़ देशवासियों ने एक होकर कश्मीर से कन्याकुमारी, लेह से लक्षद्वीप, अटक से कटक, कच्छ से कोहिमा, त्रिपुरा से सोमनाथ, 130 करोड़ देशवासियों ने एक होकर जो जज्बा दिखाया, एकता का जो संदेश दिया, उसने 8 महीने से हमें इस संकट के सामने जूझने की, लड़ने की और विजय पथ पर आगे बढ़ने की ताकत दी है। इसी मुश्किल समय में धारा 370 हटने के बाद, आर्टिकल 370 हटने के बाद, कश्मीर ने समावेश का एक साल पूरा किया। 31 अक्टूबर को ही, आज से एक साल पहले ये कार्यरत हुआ था। सरदार साहब जीवित थे, बाकी राजे रजवाड़ों के साथ ये काम भी अगर उनके जिम्मे होता तो आज इतने सारा आजादी के इतने वर्षों के बाद ये काम करने की नौबत मुझ पे नहीं आती। लेकिन सरदार साहब का वो काम अधूरा था, उन्हीं की प्रेरणा से 130 करोड़ देशवासियों को उस कार्य को भी पूरा करने का सौभाग्य मिला है। कश्मीर के विकास में जो बाधाएं आ रही थी, उन्हें पीछे छोड़कर अब कश्मीर विकास के नए मार्ग पर बढ़ चुका है। सरदार साहब भी कहते थे, और सरदार साहब के शब्द हैं, दुनिया का आधार किसान और मजदूर है। मैं सोचता हूं कि कैसे किसानों को गरीब और कमजोर ना रहने दूं, कैसे उन्हें मजबूत करूं और ऊंचा सिर करके चलने वाला बना दूं। सरदार साहब का ये सपना था, वो कहते थे। साथियों, किसान, मजदूर, गरीब सशक्त तब होंगे जब जब वो आत्मनिर्भर बनेंगे, और जब किसान, मजदूर आत्मनिर्भर बनेंगे तभी देश आत्मनिर्भर बनेगा। साथियों, आत्मनिर्भर देश ही अपनी प्रगति के साथ साथ अपनी सुरक्षा के लिए भी आश्वस्त रह सकता है, और इसलिए आज देश रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, सीमाओं पर भी भारत की नजर और नजरिया अब बदल गए हैं। आज भारत की भूमि पर नजर घड़ाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत हमारे वीर जवानों के हाथ में है।
आज का भारत सीमाओं पर सैकड़ों किलोमीटर लंबी सड़कें बना रहा है। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।